नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। चीन में संपन्न ब्रिक्स सम्मेलन कई मायनों में खास रहा। नौवे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत को बड़ी कूटनीतिक सफलता हाथ लगी। उफा और गोवा में पिछले दो सम्मेलनों में भारत इस कोशिश में था कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठनों के नाम घोषणा पत्र में डाले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन शियामिन सम्मेलन में पहली बार साझा घोषणा पत्र में इन संगठनों की कड़ी निंदा की गई है। और यही नहीं, ब्रिक्स के साझा घोषणा पत्र में ऐसे कई मुद्दों पर सहमति बनी है जो पहले से ही भारत के एजेंडे में अहम रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र, IMF और विश्व बैंक में सुधार के अलावा आर्थिक और व्यापारिक सहयोग, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने से लेकर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग तक कई मामलों पर व्यापक सहमति बनी। विशेष में आज हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बताएंगे कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत ने वहां किन किन देशों से द्विपक्षीय बातचीत की और किस तरह की बातचीत की, और ब्रिक्स दरअसल क्या है और इसकी अहमियत क्या है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो चीन के शियामेन शहर में ब्रिक्स देशों ने आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर सहमति जताई। नौवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इसके लिए कई कदम उठाए जाने की दरकार बताई गई। ब्रिक्स देशों में आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र में सुधार समेत कई अहम मुद्दों पर साझा घोषणा पत्र इन देशों ने जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों को मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया है। चीन के शामेन शहर में जब ब्रिक्स देशों के नेता जुटे तो कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। घोषणा पत्र में यह कहा गया कि उफा और गोवा सम्मेलन में जिन बातों पर सहमति जताई गई थी उस पर तेजी से काम करने की दरकार है। साथ ही अब तक की सफलताओं पर संतोष भी जताया गया। नौवें शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ने आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर जोर दिया। घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ज्यादा समावेशी बनाने, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता कायम रखने, संस्कृति और अंतरिक्ष विज्ञान में सहयोग करने पर साझी सहमति बनी। सतत संतुलित और समावेशी विकास के लिए खास रणनीति बनाने पर भी जोर दिया गया। ब्रिक्स देशों ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को और तेज करने की जरूरत बताई। ब्रिक्स देशों ने दावा किया कि 2030 के सतत विकास एजेंडे को पूरा करने को लेकर वो प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अर्थव्यवस्था पर जोर दिया। इंडिया हैज आल्सो फाउंड दैट टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल रिसोर्सेज आर पावरफुल टूल्स इन फाइटिंग पॉवर्टी एंड करप्शन। अ स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स पार्टनरशिप ऑन इनोवेशन एंड डिजिटल इकोनॉमी कैन हेल्प स्पर ग्रोथ, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड सपोर्ट। शियामेन घोषणा पत्र में 2017 से 2020 के लिए ब्रिक्स इनोवेशन सहयोग कार्य योजना बनाने की बात कही गई है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए साझे सहयोग पर भी सहमति बनी। नौवें ब्रिक्स सम्मेलन में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में बदलाव का मुद्दा जोर शोर से उठा। घोषणा पत्र में कहा गया है कि 2019 की वार्षिक बैठक से पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में नया कोटा फॉर्मूला बने और विश्व बैंक में शेयर होल्डिंग की समीक्षा की जाए। सुरक्षा परिषद समेत संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया गया। ब्रिक्स देशों ने माना कि संयुक्त राष्ट्र को ज्यादा समावेशी और प्रभावी होना चाहिए। फिलहाल ब्रिक्स के दो सदस्य देश चीन और रूस ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। इन दोनों ने संयुक्त राष्ट्र में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की भूमिका और व्यापक करने पर जोर दिया। मेजबान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि ब्रिक्स के सदस्य देश कई मुद्दों पर आपसी सहयोग बढ़ाने को तैयार हैं। चाचांग ट्वानजे शेजो गोंगटोंग लोशि 2030 खचिशु फाजान यीचेंग फाजान शि सिनसिंग शिचांग गोजिया हे फाजानरोंग गोजिया दे दियी याओवू वोमें याओ लिजू ziशen guoqing ba kechishu fazhan yiti शियामेन में ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत सहयोग की दरकार जताई गई।
घोषणा पत्र में नवीकरणीय ऊर्जा, सिविल परमाणु ऊर्जा के लिए ब्रिक्स ऊर्जा शोध सहयोग मंच बनाने की जरूरत बताई गई। सदस्य देशों ने पेरिस समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। हरित ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाने पर भी सदस्य देश तैयार हुए हैं। चीन 2020 में बायोडायवर्सिटी पर एक सम्मेलन भी करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद पर लगाम कसने पर भी सभी देश तैयार हुए हैं। आर्थिक वृद्धि दर को तेज करने, विज्ञान और तकनीक में आदान प्रदान करने, डेटा एनालिसिस, नैनो टेक्नोलॉजी, 5G समेत क्लाउड कंप्यूटिंग पर साझे शोध पर भी सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी, आपदा प्रबंधन और शहरीकरण के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने की जरूरत बताई। BRICS countries can work closely with ISA to strengthen the solar energy agenda. Our five countries have complementary skills and strengths to promote use of renewable and solar energy. The NDP can also establish an effective link with ISA to support such cooperation. ब्रिक्स देशों ने अफ्रीका में वन्य जीवों की तस्करी और शिकार रोकने के लिए अफ्रीकन यूनियन को समर्थन देने की बात कही। सभी सदस्य देश पूर्ण रोजगार, गरीबी उन्मूलन, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने पर तैयार हुए। 40 पन्नों के घोषणा पत्र में दुनिया भर के मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी टिप्पणी की गई है। उत्तर कोरिया के ताजा बम परीक्षण की ब्रिक्स देशों ने निंदा की। ब्रिक्स का अगला सम्मेलन 2018 में जोहान्सबर्ग में होना है। सदस्य देशों ने इसके लिए दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। पिछली बैठकों की तरह इसमें भी आतंकवाद का मुद्दा जोर शोर से उठा और इसमें भारत को बड़ी कूटनीतिक सफलता भी हासिल हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जी हां, 9वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल हुई है। चीन ने पहली बार पाकिस्तानी जमीन पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों की हरकतों के खिलाफ आवाज उठाई। बाद में ब्रिक्स के शियामेन घोषणा पत्र में इन आतंकी संगठनों का जिक्र करते हुए इसकी गतिविधियों की निंदा की गई। सदस्य देश आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक प्रयास करने को लेकर भी सहमत हुए। इसके अलावा शिखर सम्मेलन में 4 दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सरकार प्रमुखों की बैठक में आतंकवाद के दुष्प्रभावों का खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की वजह से ब्रिक्स राष्ट्रों के विकास का सपना अधूरा रह जाएगा। बाद में प्रधानमंत्री की बातों को आम सहमति से शियामेन घोषणा पत्र में शामिल किया गया। घोषणा पत्र में क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई और तालिबान, आईएस, अलकायदा, पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक आंदोलन, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, टीटीपी और हिजबुत तहरीर की तरफ से जारी हिंसा की निंदा की गई। घोषणा पत्र के 48वें पैराग्राफ में ये साफ कहा गया है कि इन संगठनों की वजह से पूरे क्षेत्र की सुरक्षा में गंभीर खतरे का माहौल बन गया है। टेररिज्म इज अ स्कर्ज दैट हैज टू बी एड्रेस्ड कलेक्टिवली बाय द एंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड आई थिंक इंक्रीजिंगली देयर इज अ रियलाइजेशन दैट यू कैन नॉट हैव डबल स्टैंडर्ड्स इन टैकलिंग दिस स्कर्ज। सदस्य देशों ने यह साफ किया कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं हो सकता। सम्मेलन में जारी घोषणा में ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। आतंकवाद को समर्थन देने वालों को जिम्मेदार ठहराने की भी बात कही गई। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ये उसकी ओर इशारा था। Not have good and bad terrorists and it is a collective action. Members of the BRICS countries have themselves been victims of terrorism. And I would say that what has come out today acknowledges the fact that we must work collectively in handling this. पहली बार ब्रिक्स घोषणा पत्र में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का नाम शामिल किया गया। भारत बीते कई साल से इन दोनों संगठनों की करतूतों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। हार्ट ऑफ एशिया के अमृतसर सम्मेलन में जारी घोषणा पत्र में भी इन संगठनों के नाम शामिल किए गए थे, लेकिन ब्रिक्स में अब तक साझा सहमति नहीं बन पाई थी।
श्यामेन सम्मेलन में इन संगठनों पर बनी सहमति भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। टेररिज्म के मुद्दे पर कुछ हद तक सफल हुए हैं, क्योंकि अगर हम पिछले समिट की बात करें, गोवा समिट की बात करें पिछले साल की, तो भारत इसको चाहता था उसमें डालना, लेकिन चीन ने तब मना कर दिया था। और जो दूसरे ब्रिक्स के देश है, खैर उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी हमारे साथ सीमा नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसलिए जो ज़्यादातर मामला है तो भारत और चीन के बीच में होगा। लेकिन इस साल, इस वर्ष भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं जिन्होंने इस पर चीन को राजी किया, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी जीत है। नौवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत के प्रस्तावित आतंकवाद के खिलाफ समेकित कन्वेंशन पर भी सहमति जताई गई। घोषणा पत्र में इस पर मिलकर काम करने के वादे किए गए। घोषणा पत्र में मध्य पूर्व में जारी हिंसा पर भी चिंता जताई गई। ब्रिक्स देशों ने सीरिया में शांति बहाल के लिए जिनेवा समझौते की सराहना की और कहा कि सीरिया में शांति बहाली वहीं के लोगों की अगुवाई में मुमकिन है। घोषणा पत्र में इराक के मोसुल शहर में आईएस के खिलाफ जीत पर खुशी जाहिर की गई। साथ ही आईएस के खिलाफ लड़ाई में इराक की मदद का भी भरोसा दिया गया। फलस्तीन इजराइल के स्थायी समाधान के लिए मैड्रिड सिद्धांत, संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव और अरब शांति प्रयासों को लागू करने की बात कही गई। ब्रिक्स देशों ने अशांत अफ्रीकी देशों में भी शांति बहाली के प्रयासों पर जोर दिया। ब्रिक्स के आतंकवाद विरोधी कार्य समूह की बैठक में सुझाए गए प्रस्तावों को लागू करने पर भी सहमति बनी। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। एक घंटे से ज्यादा देर तक चली इस बैठक में इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के राष्ट्रपति माइकल टेमर से भी मिले और आपसी सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात से पहले भारत और चीन के बीच बातचीत के एजेंडे को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे। सबकी नजरें इस बात पर थी कि डोकलाम समेत तमाम विवादित मुद्दों पर दोनों देशों का क्या रुख रहेगा, लेकिन चीन ने इस मुलाकात से पहले ही साफ कर दिया कि दोनों नेताओं के बीच डोकलाम पर बातचीत नहीं होगी। हालांकि बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने माना कि सौहार्दपूर्ण रिश्तों के लिए सीमाओं पर शांति जरूरी है। मैं समझता हूं कि तेज गति से बदलते वैश्विक परिवेश में ब्रिक्स को और अधिक प्रासंगिक बनाने में यह शिखर सम्मेलन सचमुच में बहुत सफल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत के बाद भारत ने बयान जारी कर कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा बढ़ाने की जरूरत है। भारत की तरफ से कहा गया कि बदलते दौर में दोस्ती मजबूत करने, शांति के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ने, सीमा पर शांति बनाए रखने, ब्रिक्स को और मजबूत बनाने के अलावा कोशिश की जाए कि मतभेद विवादों में न बदलने पाए। विदेश सचिव एस जयशंकर ने दावा किया कि दोनों नेताओं के बीच तमाम मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत हुई है। The approach of the two sides as a forward-looking approach, and I think essentially the discussions themselves are very constructive about where the relationship should be going and will be going. मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने सहमति जताई कि पड़ोसी और बड़ी ताकत होने के नाते लाजमी है कि दोनों देशों में मतभेद होंगे। ऐसे हालात में आपसी सम्मान को बनाए रखते हुए तमाम विवादों का निपटारा होना चाहिए। बैठक में कहा गया कि डोकलाम जैसे हालात से बचने के लिए सैन्य अधिकारियों के बीच आपसी बातचीत को ज्यादा महत्व देने की जरूरत है। बैठक के दौरान चीन ने पंचशील के सिद्धांतों का भी जिक्र किया और कहा कि आपस में शांतिपूर्ण सहयोग बेहद जरूरी है। ड्यूरिंग द मीटिंग वाज दैट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर एरियाज वाज अ प्रीरिक्विजिट फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ आवर रिलेशनशिप एंड दैट देयर शुड बी मोर एफर्ट मेड to really enhance and strengthen the level of mutual trust between the two sides.
हालांकि दोनों नेताओं के बीच चरमपंथ को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के राष्ट्रपति माइकल टेमर से भी मुलाकात की। माइकल टेमर से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने साझा वैश्विक दृष्टिकोण पर आधारित भागीदारी पर चर्चा की। रूसी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों नेताओं के बीच तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के अलावा अफगानिस्तान की सुरक्षा पर चर्चा हुई। राज्यसभा टीवी। दुनिया की 5 आर्थिक शक्तियों के समूह ब्रिक्स का वजूद हालांकि ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन इसने पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका की वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पकड़ को बड़ी चुनौती दी है। एक नजर इसके इतिहास और अहमियत पर। दुनिया की अहम 5 अर्थव्यवस्थाओं का समूह ब्रिक्स अंग्रेजी के 5 अक्षरों BRICS से मिलकर बना है। 5 अक्षर इसके घटक देशों के नामों से लिए गए हैं, यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से पहले इसका नाम ब्रिक था। जब ब्रिक्स की स्थापना हो रही थी उस समय एक विचार यह भी था कि विश्व अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी जो प्रभुत्व है, अमेरिकन डोमिनेंस है, उसको किस तरह कम किया जाए। अमेरिकी मुद्रा डॉलर का जो प्रभुत्व है इसको कम किया जाए, उसके बदले जो दूसरी देशों की मुद्राएं हैं, चीन है, भारत है, रूस है, इनकी मुद्राएं किस तरह आगे बढ़ें। तो इसे आगे बढ़ाने इसे लेकर के भी एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया था जो अभी तक हासिल नहीं हो पाया है, लेकिन इस दिशा में ब्रिक्स सदस्य देश आगे काम कर रहे हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग चल रहा है। सन 2001 में यह शब्द गोल्डमैन सैक्स के जिम ओ नील ने इजाद किया। इस समूह के गठन के पीछे दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर ब्रिक्स की शुरुआत करने वाले 4 देशों के विदेश मंत्री सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क शहर में मिले और उच्च स्तरीय बैठकों की शुरुआत की। इसके बाद 16 मई 2008 को एक बड़े स्तर की राजनयिक बैठक रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित की गई। साल 2009 में येकातेरिनबर्ग में ही ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन हुआ। इसके बाद 2010 में समूह का शिखर सम्मेलन ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में हुआ। साल 2011 में इस आर्थिक समूह का शिखर सम्मेलन चीन के सानिया शहर में हुआ। साल 2012 में ब्रिक्स की मेजबानी भारत ने की और दिल्ली के ताज होटल में ये सम्मेलन हुआ था। मार्च 2013 में ब्रिक्स देश साउथ अफ्रीका की राजधानी डरबन में मिले। ब्रिक्स देश 15 जुलाई 2014 को ब्राजील के फोर्टेलेजा में 6 शिखर सम्मेलन के लिए मिले, जबकि 7 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के उफा में 8-9 जुलाई 2015 को संपन्न हुआ। ब्रिक्स का 8 शिखर सम्मेलन भारत के गोवा में 15-16 अक्टूबर 2016 को हुआ था। ब्रिक्स देश तो 50% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल ग्रोथ के लिए, तो इस दृष्टि से जो ये मल्टीलेटरल कोऑपरेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो दुनिया की जो आर्थिक स्थिति है, खास करके जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका हो गया, यूरोप, बहुत सारे क्राइसिस हैं, रिफ्यूजी क्राइसिस हैं, फिर वो मिडल ईस्ट में फंसे हुए हैं, लड़ाइयाँ हैं, तो इसके मद्देनज़र जो ग्लोबल जो ग्रोथ है सो बहुत धीमी हो गई है। और अगर जो ब्रिक्स देश हैं सो खास करके भारत और चीन जो उसकी रीढ़ है, चीन खास करके उसका तो 33% के लगभग आर्थिक जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें उसका योगदान है, और भारत का थोड़ा सा कम, लेकिन कुल मिलाकर के ये बहुत ही जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको धक्का मार रहे हैं, पुश कर रहे हैं। रूस को छोड़कर ब्रिक्स के बाकी सदस्य तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था वाले विकासशील देश हैं। साथ ही ये सभी देश क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर अहम प्रभाव डालते हैं। दुनिया के 30% GDP में ब्रिक्स के सदस्य देशों की हिस्सेदारी है। वहीं विश्व की 43% आबादी ब्रिक्स देशों में रहती है। विश्व व्यापार का 17% कारोबार में ब्रिक्स के सदस्य देशों का दबदबा है। 2020 तक ब्रिक्स देशों की GDP $50 खरब होने की उम्मीद है। जाहिर है ब्रिक्स देश आपसी सहयोग के जरिए बड़ी ताकत के रूप में उभरना चाहते हैं। इन 5 देशों में एक दूसरे के लिए निर्माण और मांग की इतनी क्षमता है कि इन्हें विकसित देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत ने न सिर्फ विश्व मंच पर अपनी मजबूत स्थिति दर्ज करवाई है, बल्कि वैश्विक संगठनों में उसकी भूमिका और प्रभाव भी लगातार बढ़ा है। बदलते वैश्विक हालात और भू राजनीतिक माहौल ने कई छोटे बड़े मंच बने और इनमें ब्रिक्स ने अपनी खास पहचान बनाई है और अहमियत भी।
लेकिन भारत के लिए ब्रिक्स क्यों खास है और कैसे हम इसके जरिए अपनी चिंताओं और हितों की मजबूती से बात रख सकते हैं, जाते जाते आपको इसी खास रिपोर्ट के साथ छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार। ब्रिक्स अपने सदस्य देशों के लिए अपनी चिंताएं मजबूती से रखने का एक बड़ा मंच साबित हुआ है। दुनिया को एक ध्रुवीय बनाने के लिए भी ये मंच महत्वपूर्ण साबित हुआ है। एक वक्त था जब पश्चिमी देशों का दुनिया की राजनीति, आर्थिक और सामरिक मामलों में दबदबा था, लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। चीन आर्थिक और सैन्य दृष्टि से अमेरिका को चुनौती देने को आतुर है, तो रूस भी अपना पुराना गौरव हासिल करने की कोशिश में जुटा हुआ है। लातिन अमेरिकी देश ब्राजील भी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर पहचान बना चुका है और उसे भी लंबी दूरी तय करनी है। अफ्रीकी महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका बेहद महत्वपूर्ण देश बनकर उभरा है। भारत इस वक्त न सिर्फ दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि पूरी दुनिया के मुल्क भारत को एक बड़े बाजार और आने वाली दुनिया की बड़ी ताकत के तौर पर देखते हैं। इसीलिए भारत के लिए ये मंच और महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत ने इस मंच से खुद को एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और ताकतवर अर्थव्यवस्था वाले देश के तौर पर पहचान दिलाने में कामयाबी पाई है। भारत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय घेराबंदी के तौर पर सामने आई। उड़ी हमले के बाद भारत को एक सॉफ्ट स्टेट के तौर पर देखा जाने लगा था, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत ने खुद को एक मजबूत देश के तौर पर स्थापित किया। ब्रिक्स के बाकी देशों के साथ मिलकर आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर भी भारत को अहम कामयाबी मिली। सीमा विवाद समेत कई मुद्दों पर भारत और चीन के रिश्तों में अक्सर खटास आई है। पाकिस्तान ने इसका कई बार फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन ब्रिक्स के जरिए भारत ने चीन से अपनी तमाम चिंताओं को सौहार्दपूर्ण तरीके से दूर करने की कामयाब कोशिश की है। यही नहीं, ताजा शियामेन घोषणा पत्र में आतंकी संगठनों का नाम शामिल कर पाकिस्तान के प्रति चीन रवैये को बदलने में भी ब्रिक्स भारत के लिहाज से बेहद कारगर साबित हुआ। ब्रिक्स के सदस्य देशों में भारत एक बहुत ही ताकतवर आर्थिक देश है और इस नाते भारत की एक बड़ी भूमिका है। ब्रिक्स के जो 5 सदस्य देश हैं उसमें चीन के बाद भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, तो इस नाते हम कह सकते हैं कि भारत की बहुत ही मजबूत भूमिका ब्रिक्स को आगे बढ़ाने में हो सकती है, ब्रिक्स को ताकतवर बनाने में हो सकती है। भारत के अध्यक्षीय काल में ब्रिक्स देशों के बीच परस्पर संवाद को मजबूत करने के लिए भारत की कई मंचों से तारीफ हुई। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना का विचार भी दिल्ली में आयोजित 2012 के चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने ही प्रस्तावित किया था। ये बैंक आज पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाले विश्व बैंक और IMF जैसी संस्थाओं को टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। भारत खुद के लिए अवसर तलाशने के अलावा ब्रिक्स के दूसरे देशों के लिए भी फायदेमंद साबित हुआ है। भारत और ब्राजील के बीच इस दौरान सूचना प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, शिक्षा और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई समझौते हुए हैं, जिनका फायदा दोनों देशों को हुआ। ब्रिक्स का नया सदस्य देश दक्षिण अफ्रीका भी भारत का प्रमुख वाणिज्य सहयोगी है। दक्षिण एशिया में चीन और भारत की स्थिति बराबर मजबूत हुई है, दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा है। रूस के साथ हमारे पुराने और गहरे दोस्ताना रिश्ते रहे हैं। बदलती वैश्विक राजनीति में अमेरिका से बढ़ते रिश्तों का असर भी रूस और हमारी दोस्ती पर नहीं पड़ा और इसमें ब्रिक्स ने बड़ी भूमिका निभाई। पिछले 10 सालों में जैसे सबसे जो बढ़िया जो इंस्टीट्यूशन है वो तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है और हम उसके जो चेयरमैन है वे भारत वासी हैं वो, और जो कंटिजेंसी रिजर्व है, फिर उसके बाद जो ब्रिक्स यूनिवर्सिटी लीग बनाई है, फिर उसके बाद जो ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल है, तो ये बहुत कारगर चीज़ें हैं जो कि आपस में तालमेल और जो दुनिया में जो रीजनल भी स्थिति हो चाहे फिर जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हो उसमें एक संतुलन बनाने में काफ़ी कामयाब होते हैं और शांति के लिए खास करके बहुत ही कारगर साबित होते हैं, इसलिए भारत तो उसमें योगदान करेगा ही करेगा। ब्रिक्स देशों की सामूहिक शक्ति सदस्य देशों के आपसी रिश्तों पर टिकी है। सभी की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं। मसलन भारत और चीन ऊर्जा के सबसे बड़े उपभोक्ता देश हैं, तो रूस और ब्राजील ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देशों में एक। ब्रिक्स की एकजुटता और आपसी व्यापारिक समझदारी का एक बड़ा नमूना 2008-09 और उसके बाद की आर्थिक मंदी है, जिसमें अमेरिका समेत बड़े देश लगभग डूब गए, लेकिन इस दौरान ब्रिक्स देश आर्थिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV।